नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन वर्सेस Equinox Neo 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 6.43 इंच जबकि Neo 6 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 2.98 इंच जबकि Neo 6 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 0.32 इंच जबकि Neo 6 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 188 ग्राम जबकि Neo 6 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 20:1:9 जबकि Neo 6 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 6.7 इंचेस जबकि Neo 6 5G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 1080x2412 और Neo 6 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 87.79% जबकि Neo 6 5G में 85.3% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 394 पिक्सल प्रति इंच जबकि Neo 6 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Neo 6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Neo 6 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Neo 6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में Mali G610 MC6 जबकि Neo 6 5G में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में MediaTek Dimensity 8100 और Neo 6 5G में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 12 GB की RAM मिलती है जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में
एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी न्यू 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 4500 mAh जबकि न्यू 6 5G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो न्यू 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में एक कलर्स जबकि न्यू 6 5G में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो न्यू 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें न्यू 6 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,490 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें एकु Neo 6 5G की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में न्यू 6 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में न्यू 3 5G 150 वॉट हॉल लिमिटेड एडिशन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 5G है, दूसरा OnePlus 10 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi Mi 12 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Master Edition 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।